उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा का आगाज हो गया है। दोनों के कपाट खुल गए हैं, लोगों में उत्साह है, यात्रा अच्छी चल रही है। केदारनाथ मार्ग पर पिछले 10 दिन में लगातार भारी हिमपात हो रहा है। केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल से खुल रहे हैं, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि हम सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करते हैं कि मौसम की जानकारी लेते हुए ही अपनी यात्रा करें। कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जो हेल्थ गाइडलाइन जारी की है, उसका पालन सभी यात्रियों को करते रहना है। तो कपाट खुलने से पहले केदारनाथ में हो रही भारी बर्फबारी के चलते यात्रियों का पंजीकरण रोक दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 25 से 30 अप्रैल के बीच पंजीकरण नहीं किया जाएगा। केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग और चार धाम में 3 से 4 फीट तक बर्फ गिरने और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए केदारनाथ के लिए यात्रियों के पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। केदारनाथ में कई दिनों से रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से धाम में यात्रियों के लिए लगाए गए टेंट टूट गए हैं। न्यूनतम तापमान -1 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। यात्रा मार्गों पर भारी बर्फ जमा है। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं यात्रा मार्गों पर जमी बर्फ को हटाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी योगेश हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, कल केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, लेकिन उससे पहले ही बर्फबारी वहां पर शुरू हो गई है और तमाम एहतियात के तौर पर प्रशासन ने जो तैयारियां हैं वो तो पहले से ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन श्रद्धालुओं को किस तरह की गाइडलाइन अब जारी की गई है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं केदारनाथ की, तो केदारनाथ में अभी तक तो पंजीकरण हो रहा था, लेकिन फिलहाल जो है कल से पंजीकरण को बंद कर दिया जाएगा और 30 तक ये पंजीकरण बंद रहेगा। यानी कि यात्री जो है वो पंजीकरण नहीं करा पाएंगे, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। दूसरी बात, जब मौसम की करें तो मौसम विभाग केंद्र जो है वो देहरादून या उत्तराखंड की बात करें अगर, तो उसने कहा रखा है कि आने वाले पूरे हफ्ते जो है मौसम बदला हुआ दिखाई देगा। कभी बरसात होगी, कभी बर्फबारी होगी और कभी कभी मौसम साफ भी रहेगा, यानी कि मिला जुला मदर जो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जब हम केदारनाथ की बात करते हैं तो केदारनाथ में बिल्कुल मिनटों में वहां पर मौसम बिल्कुल चेंज हो जाता है। धूप खिली रहती है, अचानक से वहां पर बर्फबारी और बारिश जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इस वजह से एहतियातन पूरी जो है व्यवस्था की गई है। पंजीकरण तो हो नहीं रहा है, लेकिन यात्रियों को भी कहा गया है कि आप अपने साथ जो है ऐसी व्यवस्था लेकर चले जिससे आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आप बरसात और बारिश को, बरसात के साथ साथ जो बर्फबारी है उसको लेकर भी पूरी तरह से तैयार रहें। ये सारी चीजें एहतियातन तौर पर कहा गया है प्रशासन द्वारा, और हो सके तो जब जो है रुकें, जल्दी कोशिश ना करें यात्रा करने की। ये सारे जो है वो प्रशासन द्वारा कहा गया है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है और नॉर्मली जब देखा जाता है दिल्ली हरियाणा या फिर गुजरात राजस्थान यानी मैदानी क्षेत्रों से जब यात्री आते हैं, वो एकाएक ऐसे मौसम में जाते हैं तो एडजस्ट उनका शरीर नहीं हो पाता, इसलिए भी ये सब चीजें कही गई हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए योगेश। और उधर कौशल्या गार्डन दिनेशपुर में कान्हा सेवा समिति के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय भगवत कथा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आरती पूजा के साथ करीब 2 घंटे तक भगवत कथा का आनंद लिया। वृंदावन से पहुंचे कथा वाचिका देवी बल्लभी ने काफी देर तक सनातन धर्म के बारे में चर्चा की और इस दौरान धन्यवाद भी दिया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि हम कर्म पर ही विश्वास रखते हैं, ऐसे आयोजनों में भागीदारी करने पर मन शांत होता है, साथ ही आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। इस दौरान कथावाचकी देवी बल्लभी ने कहा कि आजकल के युवा नशे की ओर जा रहे हैं, माता पिता को, बच्चों और युवाओं को सत्संग के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे युवा और बच्चे भटके हुए रास्ते से अच्छे रास्ते पर आए। बोले जय रघुनंदन कंस निकंदन देव की नंदन, संसार है वहां देव की नंदन, बोले जय रघुनंदन कंस निकंदन
फिर हम चंपा की चाचा पहुंचे लड़ाने झगड़ाने की बात करते हैं, मनुष्यता रखते हैं, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। वहाँ कहते रहे लेकिन हम अपनी मर्यादा पर हमेशा रहते हैं। ये भी हमारी मर्यादा है कि कर्म में विश्वास करें। उधर जोशीमठ भू धसाव प्रभावित क्षेत्र में आपदा के बाद जरूरतों के आकलन को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट की 15 सदस्यीय टीम जोशीमठ पहुंची है। पीडीएनए की टीम द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर 22 से 26 अप्रैल तक जोशीमठ में मौजूदा स्थिति का सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसके बाद जोशीमठ क्षेत्र में आवास एवं पुनर्वास, स्थानीय अवसंरचना, सार्वजनिक भवन, नागरिक सुविधाओं, पेयजल, सफाई, पर्यटन, आपदा जोखिम में कमी लाने को लेकर रिकवरी कंस्ट्रक्शन प्लान तैयार करने में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। उधर पौड़ी में वन विभाग कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनी बड़े खतरे की जद में है। यहां भू धसाव होने से कई सरकारी आवासों में दरारें आ चुकी हैं। चिंता की बात यह है कि जिस जमीन पर आवासीय भवन बन रहे हैं वह जमीन ही अब धंसने लगी है। ऐसे में इन सरकारी आवासों में रह रहे वन विभाग कर्मचारी और उनके परिजनों को हर दिन डर के साए में जीवन यापन करना पड़ रहा है। वन विभाग कार्मिकों के परिजनों ने बताया कि उनको आवंटित हुए भवनों में दरार उस वक्त से पड़ने लगी जब से आवासीय भवनों के नीचे निर्माणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण होने लगा। इस दौरान भूमि कटान का कार्य किया गया, जिसके बाद से ही सरकारी आवासीय भवनों में दरार पड़ने लगी और धीरे धीरे जमीन धंसने लगी। अब हालात ये हैं कि जमीन काफी धंस चुकी है। यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है कि कभी भी मतलब ये टूट सकता है और नीचे पड़ सकता है जमीन। भूकंप के झटके लगेंगे तो सारे मतलब पूरा तहस नहस हो सकता है, इसलिए डर डर के दिन रात डर सता रहा है हमें। कभी भी बारिश लग रही है तो बहुत दिक्कत हो जा रही है। हम अपने बच्चों को उठा के दूसरे वाले कमरे में शिफ्ट हो जा रहे हैं सर, बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। तो सर जब से ये पॉलिटेक्निक का काम शुरू हुआ है तब से इसमें बहुत दिक्कत हुई। ये पुस्ता गिरना, ये गेट में दरारें आना, ये सारे कमरों में दरारें आना, सर ये सब पॉलिटेक्निक की वजह से हुआ सर। पहले यहाँ सही था, हम यहाँ 9 साल से रह रहे हैं, तब से हमने सही ठीक ठाक देखा, पर जब से सर इसको 4-5 साल बनते बनते मतलब इसने हमारे पूरे घर का तहस नहस कर दिया। की जांच करवा के और जो भी इंजीनियरिंग सोल्यूशन इसके निकल सकते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल रीजन है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाए। आपने जैसे ही प्रकरण मेरे संज्ञान में डाला है, मैं इसमें SDM और DFO स्तर से एक रिपोर्ट लेते हुए और इंजीनियर्स को भी इसमें रखा जाएगा और जो भी सॉल्यूशंस निकाले जाने वो निकाले जाएंगे। और उधर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में फिर एक बार पर्यटक हाथी सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। 2018 से कॉर्बेट पार्क में हाथी सफारी बंद है। बता दें कि आने वाले दिनों में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2018 से बंद पड़ी हाथी सफारी एक बार फिर से शुरू की जा सकती है। इसको लेकर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन फॉर CTR की 9वीं बैठक में चर्चा की गई। अगर ऐसा हुआ तो पर्यटक जिप्सी सफारी के साथ ही हाथी सफारी का भी लुत्फ उठा सकेंगे। साल 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का हवाला देते हुए हाथियों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर कॉर्बेट पार्क में रोक लगाई थी। वहीं अब यह रोक हट सकती है, जिसके बाद पर्यटक पार्क में हाथी सफारी का भी लुत्फ उठा पाएंगे। 9वीं बैठक जो हमारा 15 तारीख को हुआ, उसमें जो भी हमारे एजेंडा थे उस पर अनुमोदन मिला हमें, और उसके साथ साथ ही ये एलिफेंट सफारी का जो हमारा बंद था हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार जो बंद हुआ था उसके बारे में भी चर्चा हुआ। तो उन चर्चा पे ये आया कि अभी उसका एक कमेटी गठित किया गया था, उसका कमेटी का अभी फाइनल मीटिंग होने वाला है आने वाले वीक में। तो उस मीटिंग के बाद जो भी कमेटी का इनपुट है उसको चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन के स्तर पर दिया जाएगा और वहाँ से डिसीजन लिया जाएगा। उधर हरिद्वार में BHEL कर्मचारी की सरेआम गुंडागर्दी सामने आई है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के BHEL सेक्टर 1 में BHEL कर्मचारी के घर के बाहर लगे बिजली के खंभे से एक अनियंत्रित कार टकराने पर उसने कार सवार की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, दबंग कर्मचारी ने कार के शीशे तक तोड़ डाले। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस से भी दबंग भिड़ गया और पुलिसकर्मियों से भी इस दौरान धक्का मुक्की की और उसके बाद घटना का वीडियो सामने आया। हालांकि पुलिसकर्मी ने भी सख्ती दिखाते हुए दबंगई कर रहे शख्स को पकड़कर वो कोतवाली ले गई और शांति भंग के
बाद उसका चालान कर दिया गया। इधर हल्द्वानी के अंबेडकर नगर क्षेत्र में एक घर में सिलेंडर फटने के चलते भीषण आग लग गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, जिसके बाद पुलिस और 108 की मदद से झुलसे हुए लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। बता दें कि जिस घर में आग लगी वहां शादी की सालगिरह थी और वहां पर खाना बन रहा था। इसी सिलेंडर फट गया, जिसमें आग तेजी से फैल गई। हादसे की सूचना पर मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह भी पहुंची। यहाँ पे 2 पेशेंट आए हैं और आग सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लगी थी, जिसमें 3 लोग झुलस गए हैं। 1 लोग ज्यादा झुलसे हैं और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इलाज तुरंत प्रॉपर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। 1 लोग कृष्णा में है, 2 लोग पिछला तिवारी में एडमिट है और उनका इलाज शुरू करा दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।